काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा दिन है फिर से आज लॉस सैंटोस में। और आज मैं जा रहा हूँ गाइस एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए। एक्चुअली मैं देखो भाई तुम लोग याद होगा भाई हम लोग गए थे एक बहुत ही खतरनाक वाले रैम चैलेंज पर, और वो एक्चुअली में रैम चैलेंज था नहीं, वहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी भाई किसकी गाड़ी में है दम। जहाँ पर टेस्टिंग हुई थी अलग अलग तरीके से, सबसे पहले गैप चैलेंज, उसके बाद हाइट चैलेंज, उसके बाद वाटर चैलेंज, और एंड में हुआ था गाइस कि किसकी गाड़ी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है विंड मिल्स के अंदर। और हुआ ये था कि भाई मेरी गाड़ी सबसे ज्यादा बेस्ट निकली थी। शिंजर और पिंचर की गाड़ी लगभग लगभग सेम ही थी, और चॉप की जो गाड़ी थी सबसे ज्यादा बकवास निकली थी और वो हो गई थी ब्लास्ट। तो ये सब हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में। तो मैं जीता था गाइस उस चैलेंज को, जिसकी वजह से मुझे एक मस्त वाली सुपर कार मिली थी। और एक्चुअली में हुआ क्या भाई, मैं उस सुपर कार को चला रहा था और वो गलती से मैंने एक कोने में ठोक दी, और उसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई सुपर कार के अंदर। उसमें से पेट्रोल लीक करने लग गया, इसके अलावा उसका बोनट उखड़ गया, उसके अलावा आगे की हेडलाइट वगैरह चकनाचूर हो गई है। तो वही सब रिपेयर करवाने के लिए मैंने साइमन के शोरूम पर दे कर आया था वो अपनी गाड़ी, और अभी फिलहाल मैं वही गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो शिंजन बिंजन और चौप भाई तुम लोग अपना ख्याल रखना जब तक मैं आ रहा हूँ गाड़ी लेकर। अरे गाड़ी को मस्त तरीके से रिपेयर करवा के लाना यार, हमें भी थोड़ी बहुत सैर करनी है। भाई साहब हाँ यार, कल जब से जीता था भाई तू वो गाड़ी, तब से भाई तूने अकेले ने चलाई और ठोक भी दी, हमें तो चलाने का मौका भी नहीं मिला। मिलेगा भाई मिलेगा, सबको बराबर मौका मिलेगा, रुक जाओ एक बार रिपेयर हो जाने दो। वो ऐसे यार नई नवेली गाड़ी को रिपेयर करवाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। खैर अब जो भी हो, गाड़ी तो क्रैश हो ही गई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलो यार अपनी इस SUV को लेकर चलते हैं यहाँ से, और अभी निकलता हूँ मैं सीधे गाइस साइमन के शोरूम की तरफ, और जल्दी से चलते हैं। अरे फैबे रुको यार, बुलाया गया इन लोगों ने अभी मुझे, आवाज तो आई थी भाई, बुला रहे हो क्या तुम लोग? हेलो, शायद नहीं इनकी आवाज नहीं थी, पता नहीं जो भी हो। अभी चलते हैं गाइस फटाफट से साइमन के शोरूम, और जल्दी से लेकर आते हैं अपनी वो वाली गाड़ी जो मैं लास्ट टाइम जीता था यार प्राइज में, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और चकनाचूर हो गई भाई लिटरली, उसके आगे की हेडलाइट वेडलाइट सब टूट गई, कुछ नहीं बचा उस गाड़ी के अंदर। अरे फैमिली रुक जाओ यार, मेरे को अपने लिए कुछ चीज मंगवानी थी। यार क्या हो गया भाई शिनचैन? अरे यार मुझे कुछ खाने के लिए मंगवाना था यार, ये फैमिली तो निकल भी गए। यार शिनचैन अगर तुझे कुछ खाने के लिए मंगवाना ही था तो पहले मंगवाता भाई, वो कलुआ तो अब गया। अरे हाँ यार ये फैमिली तो कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गए यार अपनी सुपर कार लेने के लिए। अब तो निकले ना भाई साइमन के शोरूम में, वो रिपेयर करवाने के लिए दे कर आया था, अब फटाफट से लेने गया। वैसे भी इतनी मस्त सुपर कार वो जीता, लेकिन 2-4 सेकंड से ज्यादा उसको चलाने का मौका नहीं मिला। अरे वैसे यार चौप हो क्या है यार? भाई साहब यार मेरे को तो लगता है ऊपर से कोई पत्थर आ रहा है। अरे मैं भी सोच रहा था यार ये पता नहीं क्या ही गिर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है यार। यार लगता है भाई भागना पड़ेगा। अबे यार ये तो बिल्कुल ही नीचे आ गया। अबे भाई साहब ये तो बिल्कुल ही इधर ही टकरा गया यार। ये साइमन बहुत ही ज्यादा बेकार है यार, लिटरली मैं इससे बेकार मैंने भाई कार डीलर नहीं देखा है। मैंने इसके पास अपनी सुपर कार रिपेयर करवाने के लिए कल ही दी थी, और भाई इसने बोला था कि तुम्हारी सुपर कार बस 2 मिनट में रिपेयर हो जाएगी। 2 मिनट तो छोड़ो भाई, यहाँ पर पूरा एक दिन निकल गया और अभी तक सुपर कार का बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं हुआ है भाई। उसकी हेडलाइट अभी तक वैसे की वैसी चकनाचूरी पड़ी थी, और साथ में गाइस आगे का भी कुछ भी काम नहीं करवाया यार उसने, बोनट वोनट कुछ नहीं लगवाया, पूरी गाड़ी अभी भी बकवास पड़ी हुई है। मेरा सारा मूड खराब कर, साइमन के बच्चे ने बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, क्या ही कर सकते हैं यार। कोई बात नहीं, बस पहुंचने वाले हैं घर अपने, चल कर यार कुछ प्लानिंग करते हैं कुछ मस्त एकदम रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाने की। यस गाइस चलते हैं यार, शिनचैन पिंचन और चौप तीनों को लेकर चलेंगे, और मस्त जाके किसी रेस्टोरेंट में भाई मस्त वाला हम लोग लंच करेंगे से अपने घर। अरे वेट ये क्या है? ओ तेरी भाई ये क्या है? वेट ये मेरा ही घर है। एक सेकंड भाई, लग तो अपना ही घर रहा है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए? अरे मेरा ही घर है ये सच में ही। ओ तेरी ये क्या सीन हो गया भाई, क्या हो गया ये? पता नहीं गाइस शिनचैन पिंचन कहाँ है, रुको मैं अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। अरे किधर से जाऊं मैं, एक सेकंड, हाँ के ऊपर से और जरा अंदर जाने की कोशिश करते हैं गाइस, पता नहीं यार ये लोग कहाँ ही है, नीचे चलते हैं जरा। हेलो भाई शिनचैन पिंचन चौप, कोई भी नहीं है यहाँ पर तो। बे यार इतनी सी देर में इतना सब कैसे हो गया? मैं लिटरली मैं सिर्फ और सिर्फ साइमन के शोरूम पर जाकर वहां पर अपनी टूटी फूटी गाड़ी की हालत देख कर और बस वापस आया हूँ, इतनी देर में इतना सब हो गया, ये लोग कहाँ है वैसे? हेलो भाई तुम लोग सुन रहे हो मेरी आवाज? हेलो भाई चौप, यार कहाँ है ये लोग तो नजर ही नहीं आ रहे। हेलो भाई बाथरूम में है क्या कोई? हेलो नहीं यार बाथरूम में भी कोई नहीं है, कहाँ गए ये लोग?
अरे यार ये सड़क सड़क कैसे आ गई मेरे घर के अंदर। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है ये। को यार शायद छत पे होंगे ये लोग, लेकिन छत पे होंगे तो ये आवाज क्यों नहीं दे रहे भाई। मैं कब से बुला रहा हूँ, कुछ तो बोलना चाहिए इन लोगों को। क्या हो गया यहाँ पर, एक सेकेंड। हेलो भाई तुम लोग छत पे हो क्या? कोई भी नहीं है भाई छत पे, कोई भी नहीं है। हेलो भाई सिंजन मिंजन चौप कहाँ पर हो बे तुम लोग? अरे फैमिया हम लोग पत्थरों के नीचे दबे हुए हैं यार। बोला 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 कोई तो बोला। अरे मैं बोल रहा हूँ यार पिंचन। पत्थरों के नीचे इधर क्या? अरे बहुत ज्यादा अंदर दबे हुए हैं यार, प्लीज निकालो हमें। अबे लेकिन तुम लोग दब कैसे गए? अरे पता नहीं यार, हम तो बस बाहर ही खड़े थे और अभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा मीटर शावर आया यार और हमारे घर के ऊपर ही गिर गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये एक मीटर से हुआ इतना सब? अब पता नहीं यार कितने मीटर आए थे लेकिन ये सब हो गया। तो यार ये एक मीटर का काम तो नहीं लगता भाई, एक मीटर तो होता है इतना इतना बड़ा, पर मुझे लगता है शायद एक के बाद खूब सारे मीटर गिरते चले गए होंगे और ये शिनचैन पिंचन और चौप हो गए होंगे बेहोश एक ही मीटर के बाद। और जब बहुत सारे मीटर गिर गए और इसके बाद जब ये लोग पत्थरों के नीचे दब गए तब इन्हें होश आया होगा और तब इन्हें पता चला होगा कि भाई ये तो अलग ही जगह दबे पड़े हैं। फिर मैं आया, बट इतनी सी देर में इतना सब कैसे हो गया यार? और मीटियोर भी मान लो गिरेंगे तो सिर्फ यहीं पर क्यों गिरेंगे? अरे क्या हो रहा है ये आजकल लॉस सैंटोस का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता भाई, कभी भी कुछ भी होने लग जाता है लॉस सैंटोस में। लगता है लॉस सैंटोस छोड़ गया यार हम लोगों को नॉर्थ यंगटन या तो कैवेरी को, इधर उधर बसना पड़ेगा। ये जगह बिल्कुल भी हमारे लिए भाई सुटेबल नहीं रही है। अब देख रहे ये इस बंदे को देखो, गाड़ी ले जाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि इसकी गाड़ी का तुम लोग हाल देखो लिटरली में। ओए पागल है क्या तू, है गाड़ी से लेकर जाना चाह रहा है तू, बाहर निकल तेरी ऐसी की तैसी। तो इसको तो उड़ा दूंगा मैं, इसकी तो खोपड़ी उड़ाऊंगा। तू रुक तू रुक बेटा निकल यहाँ से। ये देख रहे हो भाई तुम लोग, देखो जैसे इसकी गाड़ी की हालत देखो भाई। अरे साइड में से गाड़ी लेकर चला जाए यार, सिंपल सी तो रोड है, लेकिन नहीं ये देखो गाड़ी की हालत क्या कर दी, थोड़ी देर में ये ब्लास्ट भी हो जाएगी। लेकिन मुझे गुस्सा आ रही है यार, कैसे इन लोगों को बाहर निकालूं मैं? अरे बाहर निकालो यार प्लीज। अबे भाई पिंचन कितना बोलेगा तू? अरे मैं इस बार शिनचैन बोल रहा हूं यार। अच्छा तू भी फंसा है। और चौप चौप कहाँ है? क्या भाई कल यार मैं भी हूँ, प्लीज निकाल भाई। एक बात बताओ बे, कब से आवाज लगा रहा हूँ तब तुम लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? अरे नहीं दी थी यार। अच्छा कैसे बाहर निकालूं इन लोगों को मैं, क्या क्या किया जा सकता है? वैसे ये क्या है भाई, एक बंदा इसके नीचे से गाड़ी लेके जा रहा है। बे क्या तेरे को कितनी जल्दी पड़ी है बे, है बे कितनी ज्यादा जल्दी पड़ी है? 2 मिनट बाद गाड़ी लेकर जाएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा? दिमाग खराब कर रखा है यार लॉस सैंटोस के लोगों ने, बिल्कुल भी सही जगह नहीं रही है भाई अब लॉस सैंटोस रहने लायक। देख रहे हो तुम लोग क्या ही तबाही। ये देखो यहाँ क्या, पुलिस को देखो भाई, चोरों के पीछे पड़े हुए ना कि मेरी हेल्प करे थोड़ी बहुत। अरे पुलिस वालों भाई थोड़ी हेल्प कर। पुलिस वाले तू निकल, तेरा यार चोर पकड़ना जरूरी है या मेरे घर से ये पत्थर हटना? ये देखो यार ये बंदे मान नहीं रहे हैं फिर भी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है यार। अरे गुस्सा छोड़ो यार, पहले हमें निकालो। अरे क्या क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इधर इन लोगों को हटाऊं या फिर इन पत्थरों को हटाऊं या फिर ये बताओ, ये सड़क है, ये लिटरली हमारे लॉस सैंटोस की सड़क है जो उखड़ के हमारे घर की छत तक पहुंच गई है। अबे यार इन लोगों को कैसे इधर से निकालूं मैं, कोई रास्ता है क्या, इधर से कोई रास्ता है क्या? नहीं इधर से तो कोई रास्ता नहीं है, एक सेकंड। अरे कहां निकल के आ गया मैं, अरे मैं खुद दब गया। बच गया। ओके कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई, कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर अंदर जाने का। तुम लोग भाई इधर ही दबे हो क्या? अरे कैसे पता चलेगा यार हम लोग कहाँ दबे हैं? एक सेकंड, गोली की आवाज बताना कैसी आ रही है, आ रही है आवाज गोली की? अरे हाँ यार ऐसा लग रहा है तुम हमारे सिर के ऊपर ही हो। ओ तो इसका मतलब गाइस ये लोग इधर ही दबे हुए हैं। तो यार ये सब हटाने के लिए पहले ये सब हटाना पड़ेगा, तभी तो क्रेन यहाँ तक आएगी। बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है गाइस, शिनचैन पिंचन और चौप को बचाने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत लगने वाली है, बट हम लोग करने वाले हैं यार, वरना दबे दबे ये लोग निकल लेंगे ऊपर। जल्दी से क्रेन लेकर आते हैं, सारे पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले गाइस तुम लोगों ने यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि हम लोग जल्द से जल्द इन सबको बचा सके। यस गाइस अभी जो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि क्रेन मिलेगी भाई। क्रेन हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर मिल सकती है क्रेन। जल्दी से कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ निकलते हैं और फटाफट से क्रेन लेकर आते हैं। ये है एक कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर ये जो बिल्डिंग है भाई कई सालों से बन रही है, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुई है कभी भी, और ना जाने कब कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर फुल उम्मीद है क्रेन मिलने की, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो भाई क्रेन मिल भी गई हमें यहाँ पर। बट एक सेकेंड, ये कौन सी मशीन है भाई? हेलो भाई साहब, ये वाली मशीन किस काम आती है? ये दीवार खोदने के।
अच्छा इससे भी काम हो जाएगा क्या अपना? हाँ यार काम तो हो जाएगा, बट इस मशीन को मुझे चलाना नहीं आता भाई। इस वाली मशीन को मैं ले जा सकता हूँ? मशीन अभी खराब पड़ी है। अबे यार सारी मशीनें आज ही खराब होनी थी, ये क्रेन तो ठीक है ना? लेकिन क्यों? कुछ जरूरी काम है, मैं ले जा रहा हूँ, कुछ देर बाद लौटा दूंगा। ओए ओए ऐसे नहीं ले जा सकते कुछ भी। चल निकल यहाँ से, मैं लेके जा रहा हूँ। ओए मैं पुलिस केस कर दूंगा। बुला दे पुलिस को, मैं जा रहा हूँ लेकर इसे। अरे यार लेकिन क्या जरूरत है इसकी? अरे बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, मैं कह रहा हूँ ना थोड़ी देर में लौटा दूंगा, तू चुप हो जा। तो गाइस इस क्रेन को फटाफट से घर लेकर चलते हैं और पत्थर हटाने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। फाइनली गाइस क्रेन लेकर मैं घर पर पहुंचने वाला हूँ, और एक बात तो कहनी पड़ेगी इस क्रेन के बारे में, इसकी जो स्पीड है, ओ हो क्या स्पीड है भाई, इससे लिटरली मैं पैदल चलता हुआ आदमी आगे निकल जाता है। कोई बात नहीं, आ गई से लेकर, और अब कमाल दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को क्रेन। भाई क्रेन का धुआं निकल गया, लेकिन भाई ये पत्थर नहीं हिल रहा इस पे, क्या ड्रामा है इस क्रेन का, तो किसी काम भी आती है ये क्रेन नहीं। अरे ये पत्थर तो हिला दे कम से कम भाई क्रेन, इसकी चेन बहुत ज्यादा जबरदस्त घूम रही है गाइस, बट ये क्रेन किसी भी काम नहीं आ रही है भाई, पूरी जान लगा दी है मैंने क्रेन की। तो एक पत्थर तो हिल जाए यार। फाइनली गाइस अब जाके कुछ बात बनी, लेट्स गो। ओके हटा ही दिया भाई वो पत्थर। ओ गाड़ी वाले तेरे को ज्यादा जल्दी पड़ी है, ले चला जाओ उधर साइड से, जा चला जाओ उधर से। अबे यार ये सारे गाड़ी वाले पागल हो गए क्या लॉस एंजेलोस के? मेरा दिमाग खराब हो रहा है अब। जाओ ना तुम लोग इधर से, यहाँ पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना और इन लोगों को बीच में आके डिस्टर्ब करना है। यार अब इसको धक्का मार, तू जा उधर, दोनों गाड़ी वालों को धक्का दे दिया मैंने, जाओ भाई अपने घर निकलो। अबे फिर ये एक वाइट गाड़ी वाला आ गया, तो चलो गाइस अब कोशिश करते हैं इस वाले पत्थर को हटाने की। भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है यार पिछले वाले पत्थर को हटाने में, तुम लोगों ने अपने क्रेन की हालत देखी कितनी ज्यादा बुरी हो गई थी। अरे क्रेन खराब ना हो जाए यार, कोई बात नहीं अब इसको हटाते हैं। कम ऑन लेट्स गो फुल स्पीड क्रेन भाई, बचा दे तबाही, कम ऑन लेट्स गो गाइस। यहाँ पर फाइनली वो वाला पत्थर भी मैं हटा चुका हूँ, नाइस। अब बारी इस वाले पत्थर की, वैसे मैं ये वाले पत्थर क्यों हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वो वाला पत्थर, नहीं यार वहाँ तक क्रेन ही नहीं जा पाएगी अपनी शायद से, एक सेकंड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग रुको भाई। अबे क्रेन खराब हो गई यार, ओ नहीं खराब नहीं है, चली जा भाई क्रेन, इतने छोटे छोटे पत्थर ही तो हैं। नहीं यार ये क्रेन इनके ऊपर से जा ही नहीं पा रही है, ये भी एक्चुअली में मुझे लगता है ये वाले पत्थर भी हटाने पड़ेंगे, तब हमारी क्रेन शायद से वहाँ जा पाएगी। कम ऑन गाइस, वो भी हटा दिया मैंने, काफी ज्यादा मेहनत लग रही है भाई। अब ये वाले पत्थर भी हटा दूं क्या? इन्हें छोड़ो भाई, अब मेनली फोकस करते हैं शिनचैन फिनचैन और चॉप को बाहर निकालने पर। शिनचैन फिनचैन और चॉप को बाहर निकालने के लिए अगर मैं टॉप वाले वो जो पत्थर है, ये वाले जो तुम लोग पत्थर देख रहे हो भाई, ये वाले सारे के सारे, अगर मैं ये वाले पत्थर हटा दूं तो ये लोग सिंपली जंप करके बाहर आ सकते हैं, या मैं इन लोगों के लिए सीढ़ी एक डाल दूंगा फिर ये लोग सिंपली बाहर आ सकते हैं। हाँ सबसे पहले ये ऊपर वाले पत्थर हटाता हूँ मैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मान लो अगर मैंने साइड वाले पत्थर हटा दिए तो ये ऊपर वाले पत्थर नीचे आ जाएंगे, और नीचे तो शिनचैन पिनचैन है, वो तो दब जाएंगे भाई पत्थरों के नीचे, इसीलिए हम लोगों को टॉप वाले पत्थर ऊपर से ऐसे उठाने होंगे। लेकिन ये टॉप वाले पत्थर ऊपर से उठाऊं कैसे मैं? इसके लिए तो हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास फिलहाल कोई हेलीकॉप्टर तो है नहीं, और नॉर्मल हेलीकॉप्टर भी नहीं भाई, इसके लिए वो मिलिट्री वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, कार्गो बॉब कहते हैं शायद से, ये तो कार्गो मॉब, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी भारी से भरकम चीज को इजिली लिफ्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइज हम लोगों को एक कार्गो बॉब लेकर आना पड़ेगा। शिनचैन पिनचैन और चॉप तुम लोग बस यहीं वेट करो, मैं एक हेलीकॉप्टर लेकर आया। अरे जल्दी लेकर आना यार, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, यहाँ पर बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे हम लोग। हाँ हाँ ठीक है टेंशन मत लो। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोगों को जाना होगा मिलिट्री बेस। भाई कैसे जाऊँ मैं मिलिट्री बेस के अंदर? मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करते ही भाई एकदम ताबड़तोड़ चारों तरफ से गोलियां पड़ना शुरू हो जाती है, और मेरे पास अगर बुलेट प्रूफ कार नहीं है तो मैं कैसे बच पाऊंगा चारों तरफ से अगर गोलियां आएंगी तो, और ऊपर से गोलियां तो छोड़ो भाई, टैंक की तोपें चलती हैं, टैंक की तोपों से ज्यादा यार टैंक चलाकर देखू क्या? क्या पता पत्थर चकनाचूर हो जाए, बट पत्थर के साथ साथ क्या पता शिनचैन पिनचैन और चॉप भी चकनाचूर हो जाए। नहीं 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 टैंक वाला आइडिया बेकार है। सबसे बढ़िया गाइस वो जो हेलीकॉप्टर नहीं आता मिलिट्री वालों को, बड़ा वाला जिसके नीचे एक हुक लगा होता है, जिससे वो लोग मेनली कंटेनर्स वगैरह या तो टैंक वगैरह लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसको मैं चुराता हूं, उसका यूज करके मैं इस पत्थर को उठा दूंगा और ये फिर सिंपली बाहर निकल आएंगे। यस गाइस यही करना पड़ेगा, तो अभी जल्दी से निकलते हैं हम लोग मिलिट्री बेस, लेट्स गो। तो अभी मैं जा रहा हूं गाइस मिलिट्री
मूवी बेस की तरफ और मुझे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया है भाई। मेरे पास बुलेट प्रूफ कार ढूंढने का टाइम नहीं है, बट बुलेट प्रूफ जैकेट तो खरीदने का टाइम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर एक वेपन शॉप है एम्यूनेशन की, तो जा रहा हूँ यहाँ से। मैं एक तो खूब सारे वेपन्स खरीदूंगा, वैसे वेपन की जरूरत पड़ेगी नहीं बट खरीद लेते हैं, और साथ में गाइस कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीद लूंगा मैं, कुछ इस टाइप वाले, ताकि यार हम लोग थोड़ा सेफ रहे मिलिट्री वालों से। सबसे महंगे वाला खरीद लेता हूँ। लेट्स गो, तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। मैंने टी शर्ट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया है। ये किसकी गाड़ी है भाई, ज्यादा बेटर लग रही है, इसको ही लेकर चलते हैं। सॉरी आंटी अंकल, जिसकी भी गाड़ी हो मैं लेकर जा रहा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेट्स गो, तो अभी इसको लेकर चलते हैं यार फटाफट से मिलिट्री बेस, सामने ही है बस, जल्दी पहुंचने वाले हैं यार। अगर तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दो गाइस, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर तुम लोग फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। चलते हैं, लेट्स गो। और ट्रक वाले भाई हट जा साइड में, भाई सही गाड़ी चला रहा हूँ मैं ये वाली, और ये वाली ज्यादा बेटर है पिछली बार वाली से। अबे यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, वैसे पिछली बार रैम चैलेंज हमारा यहीं पर था, तुम लोगों को याद हो। सबसे पहले तो गाइस तरीका ढूंढना है मुझे मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करने का। मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बट मैं हमेशा एंटर करता रहता हूँ, मेरे लिए तो छोटी मोटी बात है। मैं जा रहा हूँ इस बार मेन गेट से, क्योंकि शायद से इस बार कुछ ज्यादा ही रिस्क लेने का शौक है मुझे, इसलिए चलते हैं गाइस मेन गेट से। डायरेक्टली जाएंगे, हेलीकॉप्टर उठाएंगे और भाई भाग के आ जाएंगे। वैसे हाँ एक और तरीका है इधर से जंप करना, बट ये तरीका मुझे उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगता क्योंकि मैं ठुक जाता हूँ यार, बट एक बार ट्राई करता है इस तरीके से जरा। कम ऑन, नाइस, ओके, कम ऑन, ओह पहुंच जाऊंगा यार, मैं पहुंच जाऊंगा, तरीका बेस्ट है ये। लेकिन मेरी गाड़ी की हालत अभी से ही बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है यार, क्या ही तरीका बेस्ट है ये, आई डोंट नो। फिर से इसी तरीके का यूज प्लीज यार, इस बार पहुंच जाऊं मैं, मजा आ जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो, पहुंच गया आराम से। ओ भाई देख लिया इन लोगों ने मुझे, कहां से देख लिया, देखो गाइस भाई वही वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, तुम लोग ऊपर देख रहे हो, तुम ऐसे से निकले, कोई पंगे नहीं, मेरी गाड़ी ब्लास्ट नहीं होने चाहिए, मैं मुंह तोड़ दूंगा किसी का भी। अरे यार ये मेरे, ओ शिट, गाड़ी ब्लास्ट हो गई, बाहर, जल्दी, ओ भाई जला दिया पूरा भाई, चारों तरफ से बहुत ही धमाकेदार गोलियां पड़ रही है, मेरी गाड़ी भी धमाके हो गई भाई, और इनको टपका मारी है किसी तरह से, मेरे पास शॉटगन भी है भाई, मैं निपटा दूंगा, किसी से नहीं डरता मैं। अरे भाई खुद की भी ट्रक उड़ा रहे हैं ये लोग, निकल यहाँ। मुझे गाइस यहाँ पर और कुछ भी नहीं चाहिए, भाई मुझे इन लोगों का बस वैसा वाला हेलीकॉप्टर चाहिए। फिलहाल वो तो इस वक्त हवा में है, तो वो कहाँ से लेकर आ सकता हूँ मैं, बट हाँ वैसा हेलीकॉप्टर नीचे तो होगा ही कहीं ना कहीं। अभी जल्दी से चलते हैं, लेकर चलते हैं हेलीकॉप्टर, गाड़ी है यहाँ पर, वाली गाड़ी की हेल्प लेते हैं, जल्दी कोई टैंक वाला तोप ना चला दे। अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई, अभी तोप चलानी थी इसे, जल्दी उठ भाई फ्रैंकलिन, जल्दी भाई, चारों तरफ से तुम लोग गोलियां देख रहे हो, टैंक भाई टैंक कैसे मार रहा है गोलियां भाई। अभी तक मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बचा हुआ हूँ, तुम लोग देख रहे हो भाई ऊपर गोलियां लग रही है बट कुछ असर नहीं हो रहा, बट मैंने बुलेट प्रूफ पैंट नहीं पहन रखी, इसी वजह से पैंट में गोलियां लग रही है, तो पैर में भी गोलियां लग रही है मेरे, बट हाँ बुलेट प्रूफ जैकेट काफी ज्यादा मस्त काम कर रही है, इन लोगों ने लगता है मेरे हाथ हाथ में भी गोली नहीं मारी। ओ वेट, मिल गया हेलीकॉप्टर, मिल गया, बच गया, लेट्स गो अगेन। वो हेलीकॉप्टर मत उड़ा देना ये वाला प्लीज, ऐसे निकलना भाई, ले जान दे मुझे ये हेलीकॉप्टर। अरे अरे गाड़ी में नहीं बैठना, हेलीकॉप्टर, लेट्स गो, मिल गया गाइस। अबे दरवाजा उखड़ गया उनका भाई, ओके उड़ जा, प्लीज आग नहीं प्लीज, आग नहीं, ब्लास्ट मत हो जाइए भाई प्लीज। अरे यार धुआं निकाल दिया इस वाली गाड़ी के अंदर भी, मतलब गाड़ी कह रहा हूँ हेलीकॉप्टर के अंदर भी, कोई बात नहीं गाइस इसको लेकर चलते हैं, प्लीज हेलीकॉप्टर ब्लास्ट मत हो जाइए, प्लीज बोल रहा हूँ मैं, तो जल्दी भैया आग बुझ गई, भैया आग नहीं बुझ रही है, अब शायद से बुझ गई है। लेट्स गो गाइस, हम लोगों ने चुरा लिया हेलीकॉप्टर, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ये देखो नीचे इसका हुक वाला, हुक काफी ज्यादा काम का होता है, पत्थर इनमें फंसा के इजिली हम लोग लेकर आ सकते हैं और बचा सकते हैं शिनचैन पिनचैन को, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीकों से मिलिट्री वालों और पुलिस वालों से बच बचा कर ये हेलीकॉप्टर लेकर मैं पहुँचने वाला हूँ अपने घर की तरफ। और कितनी ज्यादा आज अपनी बुरी किस्मत है भाई, एक तो मेरी जो गाड़ी लास्ट टाइम मैं जीता था वाली गाड़ी भी रिपेयर नहीं हुई, और साथ में ये शिंजन मिंजन पत्थरों के नीचे फंसे हुए। अरे कौन करता है यार ऐसा काम, कौन फंसता है पत्थरों के नीचे, के आराम से भाई, डरना मत, तुम लोग हेलीकॉप्टर लेकर आया हूँ मैं, यार कह लो हेलीकॉप्टर किस लिए बे, कुछ ही देर में पता चल जाएगा, 2 मिनट शांत हो जाओ तुम लोग सारे के सारे। लेट्स गो गाइस, अब इधर से लेकर चलते, अरे कहाँ नारियल के पेड़ में लेके जा रहा हूँ मैं इस हेलीकॉप्टर को, नीचे चल भाई मेरे, बात सुन ले हेलीकॉप्टर मेरी थोड़ी, इजी पत्थर को अटैच करना है गाइस अपने हेलीकॉप्टर के नीचे वाले हुक में, सिंपली उड़ा लेना है हेलीकॉप्टर को। लेट्स डू दिस, लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मैंने अटैच तो फिलहाल कर लिया है, लेट्स गो। ओ वेट, नाइस भाई, यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से
भाई ये सारे के सारे पत्थर यहाँ पर लिफ्ट कर लिए मैंने। अब इन पत्थरों को कहाँ रख के आऊँ मैं, इधर कहीं पानी में गिरा देते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। वैसे हुक काफी ज्यादा कमाल का है भाई, पत्थर भी टंग जा रहे हैं, लेकिन ये क्या हुक मेरा इतनी ऊपर है पत्थर नीचे है, आई डोंट नो भाई क्या ग्लिच चल रहा है। बट यहाँ पर अपने हेलीकॉप्टर ने काफी ज्यादा सक्सेसफुली इन पत्थरों को लिफ्ट कर लिया है भाई, अब तो दिखने लग गए होंगे वो लोग। यार अभी भी काफी पत्थर है, लगता है एक राउंड और लगेगा। लेट्स गो, इन पत्थरों को यहाँ पे गिरा देते हैं। चलो भाई गिरा दिए पत्थर, इधर ही सड़क पे ही गिरा दिया भाई। अब यहाँ की गाड़ी वालों को दिक्कत होगी, जैसे ये गाड़ी वाला गया वो पत्थरों के अंदर से ही चला गया। और अभी हम लोग चलते हैं इधर फिर से, यार ये सारे पत्थर लिफ्ट करने पड़ेंगे। लेट्स गो, फिर से लिफ्टिंग का काम शुरू करते हैं। भाई बचा लूंगा मैं तुम लोगों को, टेंशन मत लो। अरे जल्दी बचाओ यार, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। आई थिंक गाइज इस बार तो भाई मैंने सारे पत्थर एकदम बढ़िया तरीके से अपनी हेलीकॉप्टर से अटैच कर लिए हैं, और आई थिंक इस बार तो ये सारे दिख जाने चाहिए पत्थर उठाते ही। देखते हैं क्या सीन होता है। ओ वेट, ओ नजर आ गए भाई, दबे पड़े हैं ये लोग, ये सारे के सारे। अरे जल्दी से ये भी निकालो यार। अब तो शायद तुम लोग इजिली निकल जाओगे, वेट रुक जाओ मैं आता हूँ अभी। इन वाले पत्थरों को भी इधर गिरा कर, इस बार अपने पत्थर एकदम मस्त तरीके से हुक के अंदर अटैच हो चुके हैं। लेट्स गो, आराम से इधर कहीं गिरा देते हैं भाई। सड़क पे ही कहाँ ही लेकर जाऊँ, क्या मैं इसे समुद्र में लेकर जाऊँ या फिर कहीं और, इसलिए भाई मैं तो यही वाली सड़क जाम कर रहा हूँ। रुको तुम लोग, तो भाई सारे पत्थर गिरा दिए यहीं पे, और अपना हेलीकॉप्टर भी अब उड़ नहीं पा रहा है। अबे यार गड़बड़ हो गई, एक बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। आई थिंक अपने हेलीकॉप्टर का पिछला वाला विंग टूट गया है। यस गाइस, पिछला वाला विंग टूट गया है शायद से। अबे यार ये कैसे टूट, ओ समझा कैसे टूट गया ये मुझे लग रहा है खम्भे में टकरा के पीछे वाला विंग टूट गया, अब ये हेलीकॉप्टर उड़ ही नहीं पा रहा है। आई बात क्या, हेलीकॉप्टर बचाइए, छोड़ो भाई बाहर ही निकलते हैं इस हेलीकॉप्टर से। और लो भाई ऊपर वाला विंग भी गया भाई, ये हेलीकॉप्टर कबाड़ा कर दिया मैंने मिलिट्री वालों का, कुछ भी नहीं बचा है सब हेलीकॉप्टर के अंदर। ये देखो भाई पीछे वाला विंग तो ऑलरेडी टूट चुका था, और आगे वाला भी विंग भी पूरा ही टूट गया है। चलो यार जरा घर पे देखते हैं वहाँ पर शिंजन बिंचन और चौप के निकलने की जगह भी हुई या फिर नहीं। ये वाली सड़क तो पूरी ब्लॉक कर दी है, एक तो पत्थरों से, ऊपर से एक खराब हेलीकॉप्टर भी रख दिया मैंने यहाँ पर। सही है घर के पास नहीं किया मैंने ये सब, वरना मिलिट्री वाले इस हेलीकॉप्टर को ढूंढते हुए आते और मुझे पकड़ लेते। सही है गाइस, जो भी है अब देखते हैं ये लोग निकल पाते हैं कि नहीं। अब तो शायद से निकल ही जाएंगे यार, काफी मस्त एकदम गोला सा बन गया है वहाँ पर। हेलो भाई निकलने की कोशिश करो। अरे निकलने के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। निकलो भाई निकलो, ये देख रहे हो भाई तुम लोग, अगर मैं इधर वाले साइड वाले पत्थर पहले हटाता, मान लो अगर ये वाला पत्थर हटा देता तो ये बड़ा सा पत्थर इनके ऊपर ही गिरता सीधे। अब जल्दी से आओ भाई इधर। अरे आ गए यार आ गए भाई साहब, फाइनली आ ही गए ये लोग। तुम लोग देख रहे हो भाई ये जो तुम लोग नीचे देख रहे हो ये कुछ और नहीं है, ये रोड है अपना, ये वाला रोड की वजह से आई थिंक ये जो पत्थर बड़े बड़े गिरे ये रोड उखड़ के इधर साइड में आ गया, और ये पत्थरों की बारिश पता नहीं कैसे हुई। और सेम इसी स्पॉट पे ये भी तुम लोग देख रहे हो भाई, ये भी एक रोड का ही टुकड़ा है। बाकी अपना हेलीकॉप्टर तो उधर पूरा टपक गया भाई, हेलीकॉप्टर ही पूरा, आगे वाला विंग भी टूट गया, पीछे वाला विंग भी टूट गया, सब कुछ टूट गया। बट फाइनली गाइस यहाँ पर शिंजन मिंजन चौप बच गए और अपने घर के आगे ऐसा गोल सा पता नहीं क्या ही गड्ढा सा हो गया, वो भी इतना ज्यादा बड़ा, ये सब भी ठीक करवाना पड़ेगा। और जो भी हो गाइस, तुम लोग आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी हो तो फटाफट से जाकर गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अभी तक तुम लोगों ने फॉलो नहीं किया तो तुम लोग फॉलो कर सकते हो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।